नमस्कार दोस्तों, वैथ सीआईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जो आपका जीएस का पेपर हुआ पहले पाली में यूपी पीसीएस का, उसका सोल्यूशन के साथ मैं आपके बीच में आया हुआ हूँ। सभी एस्पिरेंट्स को शुभकामनाएं जो जो दूसरा पेपर जो है अच्छे ढंग से दें। और पहले पेपर में इस बार ट्रेंड में थोड़ा सा आप देखेंगे नए क्वेश्चन के साथ पुराने क्वेश्चन को भी रखा गया है, और जो पुराने क्वेश्चन उठाए गए हैं उनको उनमें किसी भी प्रकार के डेटा में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है मैं डी बुकलेट को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं एक बुक का नाम लिख दूंगा जिससे आपको ये आइडिया होता रहेगा। एक बुक का नाम लिख दूंगा, एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैंने कहा डी बुकलेट है जिसमें 22 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था। एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके राइटर हैं। अगर इसमें आप एक ग्रंथ को मिलाएं, ए ऑप्शन में देखिए रागमाला दिया हुआ है, और रागमाला के जो राइटर हैं वो आप देखिए 3 से उनको मैच कराइए, पुंडरीक विट्ठल। तो जैसे ही आप पुंडरीक विट्ठल को मिलाते हैं 3 से, तो ए का 3 हो जाता है, और इस हिसाब से जो आपका कूट बन रहा है वो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है वो ए का 3 एक ही सीरीज में मिल रहा है, इसलिए उत्तर इसका सही हो जाएगा ए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए 3 4 1 2, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 28 नंबर पर, और 28 नंबर पर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और डांडी मार्च, इनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब पहली घटना से दूसरी घटना की ओर चलना है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, और ए ऑप्शन में दिया हुआ है 3 2 1 एंड 4। अब ये घटनाओं को क्रम में अगर देखें तो साइमन कमीशन 3 पर क्या होगा, साइमन कमीशन 2 पर दिया हुआ है आपका नेहरू रिपोर्ट, फिर आपका तीसरे नंबर पर शारदा अधिनियम, और फिर चौथा दांडी। तो इस हिसाब से जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 3 2 1 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है आपका डी बुकलेट में, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, डी बुकलेट का है 40 क्वेश्चंस है, और इसका जो सही उत्तर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया और बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बी ऑप्शन है, विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और देखिए ये भी क्वेश्चन जो है 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया निम्न में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। तो कौन सा ऐसा लीडर था जिसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, तो ये आप सभी को मालूम है, बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे, ये बात ध्यान रखिएगा। 1907 में सूरत अधिवेशन में तिलक के अध्यक्ष बनने का एक मौका था, लेकिन वहां पर कांग्रेस में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और इस प्रकार तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो 50 का जो उत्तर है, और इसमें बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन पर दिए हुए हैं बी, तो उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पहले मैं आपको उत्तर बता दूंगा फिर थोड़ा सा एक्सप्रेशन। 52 का जो ऑप्शन है वो होगा बी, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था द सातवाहनास किंग वर द नर्चर ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज, तो प्राकृतिक लैंग्वेज के पोषक थे सातवाहन शासक, क्योंकि हाल एक सातवाहन शासक था जिसने गाथा सप्तशती की रचना की थी प्राकृत भाषा में, पैसाची प्राकृत में उसने लिखा था गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिकतम प्रोत्साहन मिला, तो बिल्कुल है। ठीक है, अमरावती, नागार्जुन कुंडा, इन स्थानों पर आप देखेंगे कई सारे चैत्य रंग का निर्माण हुआ था, तो लोक कला को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 है। पहले मैं इसका उत्तर बताऊंगा और फिर आपको उत्तर मैं इसलिए लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे किस क्वेश्चन की बात में कर रहा हूं। इसका भी उत्तर है लाहौर। ये पूछा गया था क्वेश्चन आपसे, एट हिज प्लेस डिड राजा रणजीत सिंह सेट अप द अदालत ए आला। तो जब अदालत ए आला कह दिया तो आला मतलब सर्वोच्च, और सर्वोच्च अदालत वही होगी जहां पर राजा स्वयं होगा, और लाहौर क्या थी, रणजीत सिंह की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी, प्रशासनिक राजधानी थी, जबकि अमृतसर क्या थी, धार्मिक राजधानी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो बिल्कुल समय आपका ज़्यादा नहीं लूंगा और जल्दी से जल्दी आपको जो है सॉल्यूशन की ओर ले जाऊंगा क्वेश्चंस के। 75 में अकबर और जहांगीर के काल में आए हुए कुछ ट्रेवलर्स के बारे में दिया गया है, विलियम हॉकिंस, राल्फ फिंच, सर थॉमस रो और निकोलसन डॉटन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, और ए ऑप्शन में 2, 1, 4 और 3 इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। 2, 1, 4, 3 की जब हम बात कर रहे हैं तो राल्फ फिंच सबसे पहले आएंगे, अकबर के समय में आए, राल्फ फिंच ये सबसे पहले आते हैं, अकबर के समय में आते हैं, 1585 के आसपास आ जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, सेकेंड के बाद आपका है फर्स्ट, और फर्स्ट में है आपके विलियम हॉकिंस, ठीक है। फिर हॉकिंस आते हैं 1608 में, हॉकिंस के बाद डाउटन आता है, और डाउटन के बाद में ये नेवी ऑफिसर था डाउटन, और डाउटन के बाद में आगरा की यात्रा करता है, ठीक है डाउटन। और फिर तीसरा जो है और सबसे लास्ट में है वो थॉमस रो आए थे 1615 में। थॉमस रो जो है वो 1615 में आए थे। तो ये जो है उत्तर सही हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। तो 2 और 3 से अगर हम ऑप्शन को मैच करते, ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपका मिल ही रहा और कोई मैच भी नहीं कर रहा, इसलिए 75 का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह धरसाना साल्ट वर्क्स वॉज। तो विदेशी पत्रकार का नाम बताना है जो धरसाना में नमक सत्याग्रह जब हुआ था दांडी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, तो वहां पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया था। तो पूछा गया कि कौन सा विदेशी पत्रकार वहां पर मौजूद था, तो इसका सही उत्तर है सी वेब मिलर। वेब मिलर ने कहा कि मैंने दुनिया में कई जगह ऐसी हिंसक घटनाओं और क्रांतियों को कवर किया है, लेकिन धरसाना में जैसा मैंने देखा इतनी बर्बरता मैंने कहीं नहीं देखी थी। तो ये जो है उत्तर हो जाएगा सी वेब मिलर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये पूछा गया था कि 1924 के कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर षड्यंत्र केस जिसका संबंध था ट्रेड यूनियन कांग्रेस से, एम एन राय से संबंधित था ये, तो 1924 में कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, एम ए अंसारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है, एम ए अंसारी शामिल नहीं थे, ठीक है, और बाकी तीनों लोग मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी और एम एन रॉय, इन चारों लोगों को इसमें शामिल माना गया था। तो ये हो जाएगा आपका 86 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हिस्ट्री से आया हुआ है, एक सेकंड, ठीक है। 36 के बाद में अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 100 नंबर का क्वेश्चन है, और 100 नंबर में दिया हुआ है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हरप्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। अब देखिए कई सारे लोग इसमें मांडा को ढूंढ रहे होंगे और मांडा मिला नहीं होगा क्योंकि मांडा जम्मू कश्मीर में है और जेपी जोशी ने उसका उत्खनन करवाया था। तो देखिए यहाँ पर स्थल जो पूछा गया वो है मांडी ना कि मांडा, और मांडी जो है वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, नगर यूपी में है। और अगर आप ऑप्शन की बात करें तो देखिए डी ऑप्शन आपका सही है क्योंकि डी ऑप्शन पर यूपी दिया हुआ है 100 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 है, ये भी आपका 101 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी हिस्ट्री से है, और इस क्वेश्चन में
फवैद उल फुआद नाम की पुस्तक पूछी गई है, तो फवैद उल फुआद नाम की पुस्तक का जो सही उत्तर है वो है ए अमीर हसन सिज़्ज़ी। इन्हीं को आप अमीर हसन देहलवी के नाम से जानते हैं, और अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी एक निज़ामुद्दीन औलिया जो कि सूफी संत थे उनके शिष्य थे, और इन्होंने ही इसकी रचना की थी। ठीक है, तो फवाद उल फवाद जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का वर्णन, इसका संकलन किया था किसने, तो अमीर हसन सिज़्ज़ी या अमीर हसन देहलवी ने किया था, और ये दोनों ही खुसरो और अमीर हसन देहलवी ठीक शहजादा मोहम्मद के साथ रहते थे जो कि बलबन का पुत्र था और बाद में दिल्ली दरबार चले आए थे। तो 101 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, मतलब नौजवान सभा के फाउंडिंग मेंबर्स में से कौन नहीं था ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस में देखिए भगत सिंह, यशपाल, छबीलदास और अंबिका चक्रवर्ती दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा 108 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी अंबिका चक्रवर्ती इससे शामिल नहीं थे। ठीक है, बाकी भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल इन तीनों का संबंध 1926 में गठित नौजवान सभा से है, तो 108 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी आपका। 108 के बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 118, तो 118 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा आपके साथ कर लेते हैं बहुत जल्द जो है। 118 में देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, एक तरफ राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, मलिक सरोर ख्वाजा जहां मालवा, तो इसका जो उत्तर इन्होंने पूछा है नॉट मैच्ड, तो नॉट मैच्ड का मतलब है सही सम्मिलित नहीं, उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि मलिक सरोर ख्वाजा जहां के सामने मालवा दिया हुआ है जबकि मलिक सरोर जौनपुर का शासक था, ख्वाजा जहां इसकी उपाधि थी और ये कहां का शासक था, जौनपुर का शासक था जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में करवाई थी। तो यहाँ पर मलिक सरोर ख्वाजा जहाँ जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सारे मैच है। क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान पूछे गए हैं। ठीक है, अगला देखिए 118 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और 120 नंबर का क्वेश्चन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शहीद राम प्रसाद बिस्मिल इन जून 2021 एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, तो राम प्रसाद बिस्मिल की जो जयंती जून 2021 में मनाई गई वो किस स्थान पर मनाई गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शाहजहाँपुर। सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल जो है यहाँ कार्यक्रम में पहुँचे थे, तो शाहजहाँपुर में सिटी में ही एक जगह है खिरनी बाग, वहाँ पर इनका जो है एक आवास है पुराना, और इसको लंबे समय से मांग होती चली आ रही कि इसे एक जो है संग्रहालय के रूप में तब्दील कर दिया जाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 120 का बी होगा, और 120 का जो बी है वो सही उत्तर है शाहजहाँपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 131वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है, इसमें जो जैन तीर्थंकर दिए हुए हैं आपके और उनके निर्माण प्राप्ति साल्वेशन का जो स्थान दिया हुआ उसको मैच कराना है आपको, ठीक है निर्माण स्थल के साथ में उसे मैच कराना है, और ये जो है देखिए ऋषभनाथ का दिया हुआ है अष्टपद, तो कई सारे लोगों ने इसको गलत किया होगा, लेकिन अष्टपद ही को ही कैलाश पर्वत भी कहा जाता है, और कैलाश पर्वत पर ही पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो 131 का सी जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है रॉन्ग है, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नेमिनाथ जो है नेमिनाथ को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था ठीक वो सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुआ था झारखंड में, कहाँ प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर झारखंड में प्राप्त हुआ था, जबकि उर्जयंत जो दिया हुआ है उर्जयंत पहाड़ी आपकी गिरनार गुजरात में है, ठीक है इन्हीं पर जो है एक बांध का निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है स्वर्ण सिक्ताल पलाशी नदियों के तट पर, ये ध्यान रखिएगा उर्जयंत गिरनार में है, और यहाँ पर अरिष्ट नेमी का निर्वाण स्थान है ये,
जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमी थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नेमिनाथ। लास्ट क्वेश्चन जो है 150 है, 150वां अंतिम क्वेश्चन जो हिस्ट्री से आया है, उसकी चर्चा मैं आपके साथ कर दे रहा हूँ। 150वें नंबर के क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, वायकुम सत्याग्रह के बारे में चर्चा की गई है। तो साउथ इंडिया के अंदर अछूतोद्धार डिप्रेस्ड क्लास को समानता का अधिकार दिलाने, मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए वायकुम सत्याग्रह जो है वो चलाया गया था। और वायकुम सत्याग्रह में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इट वॉज अ सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये बिल्कुल सही है। अस्पृश्यता के विरुद्ध था कि कोई मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। और महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह, 1935 में महात्मा गांधी वायकुम जाते हैं और वहाँ के राजा से मिल करके, रानी से मिल करके, और मंदिरों में प्रवेश के लिए प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं उसके बाद में। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे 150 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। और ये क्वेश्चन जो है वायकुम सत्याग्रह से संबंधित है, तो साउथ इंडिया में एक अस्पृश्यता आंदोलन के रूप में चलाया गया था, समाप्त करने के आंदोलन के रूप में चलाया गया था। तो ये जो क्वेश्चन हिस्ट्री का है उनका सोल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। कोशिश की गई है कि कोई भी आंसर गलत ना रहे, ऑथेंटिक रहें, ठीक है, और ऑथेंटिक ही उत्तर हैं भी। और आप सभी को एक बार पुनः बहुत बधाइयाँ, आप अच्छे से अपना पेपर सॉल्व करें और मेंस की प्रक्रिया में शामिल हों। थैंक यू।